सिखाया गया है। अब आपको उसको समझना है, उसको मेमोराइज करना है, जैसे भी करना हो कर ले, समझ करके करना हो कर ले। इन लोगों ने बड़े बड़े विलेजेस बनाए। जब भी पूछा जाए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिग विलेजेस किन लोगों ने बसाए थे, तो वो चैल्कोलिथिक पीपल थे। इन लोगों ने बड़े बड़े विलेजेस बसाए, और उन विलेजेस में से कुछ ऐसे विलेजेस थे जो बड़े बड़े शहरों के रूप में धीरे धीरे, यानी प्रोटो अर्बन सिटीज कह सकते हैं, जो अर्बन सिटीज है ना, उससे पहले का चरण वो लोग पा रहे थे। जैसे दैमाबाद, दैमाबाद और इनाम गांव दोनों बस्तियां ऐसी थी जो ऑलमोस्ट शहरीकरण के स्तर तक, अर्बनाइजेशन के लेवल तक पहुंच चुकी थी। दोनों किलेबंद बस्तियां भी थी, बोथ वर फोर्टिफाइड सिटीज, किलेबंदी की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के कल्चर में ना किलेबंदी एक बहुत स्पेसिफिक फीचर रहा है, ठीक है। तो दोनों बस्तियां इस तरीके की थी। तो सेटलमेंट में इनके पैरा चेंज करके आपको दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले लिख लें आप लोग। हाँ, इसी के अंदर, इसी के नीचे ही लिखना है। पीपल सेटल्ड बिग विलेजेस इन दिस पीरियड, पीपल सेटल्ड बिग विलेजेस इन दिस पीरियड, पीपल सेटल्ड बिग विलेजेस इन दिस पीरियड। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, बिग विलेजेस इन दिस पीरियड। नेक्स्ट है, बट सम ऑफ देयर सेटलमेंट्स, सम ऑफ देयर सेटलमेंट्स लाइक दैमाबाद, इनाम गांव, बट सम ऑफ देयर सेटलमेंट्स लाइक दैमाबाद, इनाम गांव, रीच्ड, सम ऑफ देयर सेटलमेंट्स लाइक दैमाबाद, इनाम गांव, रीच्ड अप टू अर्बन लेवल, अप टू अर्बन लेवल, रीच्ड अप टू अर्बन लेवल। दीज सेटलमेंट्स आर फोर्टिफाइड, सिंपल, दीज सेटलमेंट्स वर लिख लेंगे ना, दीज सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड, दीज सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड, यानी किलेबंद थी बस्तियां। तो इन लोगों ने जो बसाए थे वो कुछ शहर जैसे लगने लगे थे धीरे धीरे। जैसे होता है ना कि ऑर्गेनिक प्रोसेस में भी अगर कोई गांव है तो गांव धीरे धीरे कस्बा बन जाता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अपना एक्सपेंशन भी करता है, कस्बा बन जाता है, और कस्बा धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसे एक ऑर्गेनिक प्रोसेस में चीजें चल रही थी वहां पर, और कुछ बड़े बड़े गांव बसे, और उन गांव में कुछ ऐसे गांव थे जो बहुत बड़े थे, शहरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे वो। ऐसा लगता था कि शहरीकरण, और कुछ पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव भी था, ठीक है। तो अब इनकी इकोनॉमी पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। चारों चीजें ये लोग यूज करते थे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की शुरुआत इस समय हो चुकी थी। वैसे तो इससे पहले वाले लोग भी बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, जैसे पोटरी मेकिंग करते थे, लेकिन इस काल के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा सा डाइवर्सिटी ज्यादा है। बहुत सारे तरीके, जैसे मिट्टी की मूर्तियां बनाना आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जाम्पल था, पोटरी बनाना, और पोटरी भी बड़े डाइवर्स टाइप के बनाते थे लोग, बहुत डाइवर्स पोटरी बनाते थे। इनकी पोटरी अनोखी ही है अपने आप में। ये लोग पोटरी में बनाते थे, विशेषकर टैप पोटरी, टैप का मतलब नल लगा हुआ पोटरी बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके के पोटरी जो है, एक स्पेसिफिक पोटरी के एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेंगे, और वो चीजें आपको समझनी इसमें है। इसके अलावा ये लोग बहुत सारे तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट और करते थे, जैसे बीड्स मेकिंग। बीड्स का मतलब मनका होता है, जो समुद्री शंख सीप से बनता है, जो गले में पहनने के लिए हार जैसा बनता है। तो बीड्स मेकिंग इनका एक फीचर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इनके रहे हैं जो इस काल में ये यूज करते थे, ठीक है। ट्रेड ये परफॉर्म करने लगे थे, कम से कम रीजनल ट्रेड तो करने ही लगे थे। और रीजनल ट्रेड में एक बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं, गणेश्वर के लोग ऊपर लिखा हुआ है, गणेश्वर जो आहार कल्चर के लोग हैं, ये बिल्कुल खेतरी कॉपर माइन के पास स्थित है, और इनके लोग हड़प्पा के लोगों को कॉपर एक्सपोर्ट करते थे। और कई बार गणेश्वर पर कहा जाता है कि हड़प्पन कल्चर का साइट माना जाता है ये, लेकिन साइट हड़प्पन कल्चर का है नहीं, लेकिन उस पर प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इस तरीके की चीजें इस काल में रही हैं। अब आते हैं इसमें, देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री सबसे प्रमुख व्यवसाय था इनका, पशु पालते थे, तमाम तरीके के पशु पालते थे, जैसे कि पिग को पालते थे या काऊ को पालते थे, तमाम तरीके के पशु थे, लेकिन हॉर्सेस से ये फेमिलियर नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग
शायद घोड़े से परिचित नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी घोड़े के कुछ एविडेंस मिले हैं वहां पर, लेकिन यहां पर घोड़े के कोई एविडेंस नहीं। दिस मीन्स दैट दे वर नॉट फेमिलियर विद द हॉर्सेस। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो रहा है एग्रीकल्चर का रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे तरीके के अनाजों का उत्पादन करने लगे थे। ठीक है, जो हड़प्पा के लोग करते थे वो करते ही थे, लेकिन इसके अलावा लिंसिड का करते थे ये लोग, पीस का करते थे, मटर जो होता है, इसके अलावा कॉटन का करते ही थे ये लोग भी। तो इन चीजों का प्रोडक्शन ये लोग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों का प्रोडक्शन हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा ज्यादा था। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते थे उससे थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे थे। अभी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हुआ था, अभी लाइवलीहुड प्रोडक्शन था, सब्सिस्टेंस लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे थे, कहीं से सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले लोग होंगे जो सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे, और सरप्लस जब प्रोड्यूस होता है तो व्यापार भी होता है। ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जब सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे तो ग्रेनरी बनाने लगे, वो लोग अन्नागार गोडाउन बनाने लगे एक तरीके से, कोल्ड स्टोरेज टाइप का, और वहां पर अनाजों को बचा करके फ्यूचर के लिए रखने लगे। जबकि इस काल के लोग अभी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन जो स्टोन एज है नियोलिथिक कल्चर के लोग उनसे ज्यादा करते थे लोग। ठीक है, यानी उनसे मतलब थोड़ा ज्यादा था इनका प्रोडक्शन। जहां तक आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रश्न है तो आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग ब्रिक मेकिंग भी करते थे, यानी ईट बनाना उद्योग था इनका। ठीक है, बीड्स मेकिंग करते थे, मनके बनाना एक तरीके का, पोटरी मेकिंग, वन ऑफ द बेस्ट पोटरी जो एंशियंट इंडिया का मिला है वो इनका मिला हुआ है। ठीक है, चेल्कोलिथिक कल्चर के लोग वन ऑफ द बेस्ट पोटरी बनाते थे। पहली बार पेंटेड पोटरी इसी काल में मिलती है। जब भी पूछा जाए पहली बार पेंटेड पोटरी किस काल की, तो इस काल की है। सबसे खूबसूरत पोटरी मालवा कल्चर की पोटरी है, सबसे खूबसूरत पोटरी, पेंटेड तो है ही और बड़ी चमकीली पॉलिश की गई उस पर है। ठीक है, और ये टैप पोटरी बनाते थे, टैप का मतलब नल लगा हुआ पोटरी बनाते थे, और तमाम तरीके के और भी इन्वेंशन करते थे लोग पोटरी के रूप में। ठीक है, तमाम तरीके के इन्वेंशन के कारण से इनकी पोटरी अपने आप में यूनिक पोटरी मानी जाती है। ठीक है, तो पोटरी कल्चर इनका यूनिक है। थोड़ा सा हम जाएंगे जब ईस्टर्न इंडिया में ना, इस रीजन में, तो यहाँ पर पोटरी और इनकी पोटरी से थोड़ा सा अंतर है, यानी मालवा कल्चर की पोटरी और जोरवे कल्चर की पोटरी से इनकी पोटरी में थोड़ा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या है, तो पेंटिंग का डिफरेंस है बेसिकली। पेंटेड पोटरी मालवा कल्चर की विशेषता रही है। ठीक है, जबकि पेंटेड पोटरी ये लोग नहीं बनाते थे, ये लोग नॉर्मल पोटरी करते थे, पेंटेड पोटरी के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले हैं। इसके अलावा वीविंग एंड स्पिनिंग भी ये लोग करते थे, यानी बुनना और सिलना ये सब भी करते थे। कपास तो आ ही गया था, तो बुनना सिलना शुरू कर चुके थे ये लोग, ये भी एक तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये लोग ट्रेड करने लगे थे, गणेश्वर के लोग कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, रीजनल ट्रेड करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं। जब भी पूछा जाए पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड कब शुरू हुआ, तो हड़प्पा कल्चर में लोगों ने शुरू किया, उससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं शुरू हुआ था। इंटरनेशनल ट्रेड पहली बार हड़प्पा कल्चर के लोग, रीजनल ट्रेड बस शुरू हो चुका था यहाँ पर। इससे पहले जो स्टोन एज पढ़ाया मैंने, वहां पर ट्रेड वगैरह के एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेन देन होता होगा बट ट्रेड नहीं होता था। यहाँ पर क्या, कॉपर को एक्सपोर्ट किया गया हड़प्पा कल्चर के लोगों को। हड़प्पा कल्चर ब्रॉन्ज कल्चर है, ये कल्चर कॉपर कल्चर है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो इकोनॉमी करके इसको लिख लेंगे आप लोग, इकोनॉमी। डैश देंगे और पहला लिखेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ चैल्कोलिथिक पीपल, प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ चैल्कोलिथिक पीपल वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ चैल्कोलिथिक पीपल वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इन ब्रैकेट राइट डाउन देयर, जो कुछ जानवर हैं जो पालते थे उसका नाम लिख लेंगे, पिग काउ, पिग काउ, गोट गोट, बफेलो, सीप एक्सेट्रा, SHEEP एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखेंगे देवर नॉट फेमिलियर, देवर नॉट फेमिलियर विद हॉर्सेस, देवर नॉट फेमिलियर विद हॉर्सेस। नेक्स्ट लिख लेंगे एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन फॉर देम, एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन फॉर देम।
दे प्रोड्यूस्ड वीट, राइस, दे प्रोड्यूस्ड वीट, राइस, पल्सेस, पल्सेस, मेज, मक्का, मेज, MAIJD, मेज, लिंसिड, 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 कॉटन, पीस, एक्सेट्रा, लिंसिड, कॉटन, पीस, एक्सेट्रा. एविडेंस ऑफ दीज क्रॉप्स, एविडेंस ऑफ दीज क्रॉप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम नवदाटोली. एविडेंस ऑफ दीज क्रॉप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम नवदाटोली. नवदा टोली महाराष्ट्र कल्चर है, बताया ऊपर लिखाया हुआ है नवदा टोली. देखा है ना, देखो नवदा टोली. ठीक है, ये नेक्स्ट लिख लेंगे. दे प्रोड्यूस्ड मोर देन नियोलिथिक मेन. They produced more than Neolithic men. But they still did not produce surplus. But they still did not produce surplus. तो domestication of animal हो गया, agriculture हो गया. अब art and craft पर बातचीत करेंगे. ठीक है, इसके बाद अगला point दे लेंगे. They were aware of many type of art and crafts. They were aware of many type of art and crafts. Art and crafts like copper and stone crafts. Weaving and spinning. बुनाई और कताई. Weaving and spinning. Pottery making. Beads making. BEADS. Beads making. हड़प्पा कल्चर में बीड्स मेकिंग बहुत जबरदस्त होगा, और कुछ जगहों से इसके एविडेंस मिलेंगे. हड़प्पा कल्चर में मनके बनाने का कारखाना मिलेगा, पूरा फैक्ट्री, और ये सब पूछे जाते हैं ना. बीड्स मेकिंग, पोटरी मेकिंग लिख लिया है. हाँ, चनुदड़ों में मिला है, और भी जगहों पर मिला है, बताएंगे उसको. ठीक है, ऐसा नहीं केवल, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली पाया गया, ऐसा एक कारखाना मिला जहां बहुत बड़ी मात्रा में बीड्स मिले थे वहां पर, इसलिए उसको कारखाना मान लिया गया है. ठीक है, हाँ, पहले अगला पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ पोटर्स. हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले. एविडेंस ऑफ पोटर्स, मेटल स्मिथ्स, टेराकोटा इमेज मेकर, या क्ले इमेज मेकर लिख लेना. क्ले इमेज मेकर, टेराकोटा नहीं, क्ले इमेज मेकर एंड ब्रिक्स मेकर हैव बीन फाउंड फ्रॉम इनाम गांव. आगे की कुछ लाइनें पोटरी पर होंगी आपकी. ठीक है, सिर्फ पोटरी पर. नेक्स्ट लिख लेंगे पॉइंट. चैल्कोलिथिक मेन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोटरीज. चैल्कोलिथिक मेन यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पोटरीज.
लाइक रेड एंड ब्लैक वेयर, कलर याद रखेंगे, कलर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर एंड ऑकरी कलर्ड पोटरी, ऑकरी कलर्ड पोटरी, गेरुए कलर का मृद भांड, गेरुआ कलर समझते हैं ना, गेरुआ कलर, हाँ, तो ओकरी कलर्ड पोटरी, रेड एंड ब्लैक वेयर कॉम एंड ओकरी कलर्ड पोटरी, ये लिखा हुआ है, ओकरी कलर्ड पोटरी, गेरुआ रंग है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ओकरी कलर्ड पोटरी एक्सेप्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पीपल ऑफ महाराष्ट्र, पीपल ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, पीपल ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, मालवा एंड बिहार, एंड बिहार यूज्ड टैप पोर्ट्स, यूज्ड टैप पोर्ट्स, महाराष्ट्र, राजस्थान, मालवा एंड बिहार यूज्ड टैप पोर्ट्स। नेक्स्ट लिखेंगे, चैल्कोलिथिक मेन यूज्ड पेंटेड, चैल्कोलिथिक मेन यूज्ड पेंटेड वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पेंटेड वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर WARE, मिट्टी के बर्तन को वेयर भी कहा जाता है, WARE पेंटेड वेयर। देख लियो, मालवा पीपल मेड, मालवा पीपल मेड पेंटेड वेयर बट पेंटेड वेयर हैज नॉट बीन फाउंड, बट पेंटेड वेयर हैज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पेंटेड वेयर हैज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। नेक्स्ट, मालवा पोटरी, मालवा पोटरी इज मोस्ट पॉपुलर, एंड दे मेड डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज, मालवा पोट्री वॉज मोस्ट इज मोस्ट पॉपुलर एंड दे मेड डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज, ठीक है। नाउ अब ट्रेड पर हम लोग बातचीत करेंगे ना, जो व्यापार है, तीन चीजें हो गई हैं, एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर एंड देन आर्ट एंड क्राफ्ट। जब भी इकोनॉमी आप पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमी के तीन सेगमेंट होते हैं, जानते हैं आप लोग, हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी आपको एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा एंड एग्रीकल्चर आ जाएगा, ये सब प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो आ जाएगा, इसको इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, है। और टर्सरी में ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड एक सर्विस है, तो ट्रेड टर्सरी में आ जाता है। लिख लेंगे ट्रेड वाला पार्ट इसका। चैल्कोलिथिक मेन ऑल्सो परफॉर्म्ड रीजनल ट्रेड, चैल्कोलिथिक मेन ऑल्सो परफॉर्म्ड रीजनल ट्रेड, ऑल्सो परफॉर्म्ड रीजनल ट्रेड, गणेश्वर सप्लाइड, राजस्थान वाला है गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर सप्लाइड कॉपर आइटम, कॉपर, गणेश्वर सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन पीपल, गणेश्वर सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन पीपल, ठीक है। पैराजन करके लिखेंगे, इस काल के लोग लिखना नहीं जानते थे, हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, बट ना अभी आ गया आएगा, हड़प्पा के लोगों की स्क्रिप्ट भी बताऊंगा, लिखना जानते थे, हम पढ़ नहीं पाए उसे आज तक, जबकि इस काल के लोग और स्टोन एज के लोग, दे वर नॉट फेमिलियर विद आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना नहीं जानते थे लोग,
जनरली क्या होता है ना, व्यापार या लेन देन करने के लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लिखा लिखित जब आ जाता है ना कोई चीज, तो ऑथेंटिकेट होता है वो, और लिखना ये नहीं जानते थे, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। लिख लेंगे इसको, दे वर नॉट फेमिलियर विद आर्ट ऑफ राइटिंग, दे वर नॉट फेमिलियर विद आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोसाइटी पर थोड़ी सी, इनके अगर हेडिंग डाल करके करना हो तो ऐसे ही कर लें सोसाइटी। देखिए सोसाइटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि समाज में असमानता शुरू हो चुकी थी इस काल में। देर आर सम एविडेंस अबाउट इनइक्वलिटी दैट वॉज एग्जिस्टेड इन दैट सोसाइटी। वट वर द एविडेंस, वट आर द एविडेंसेस? तो पहला एविडेंस ये है कि ये लोग दो तरीके के घर बनाते थे, एक तो रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाते थे और दूसरा राउंडेड हाउसेस बनाते थे। रेक्टेंगुलर हाउसेस में इनके सरदार चीफटेंस निवास करते थे, ये बड़े होते थे साइज में, और जो राउंडेड हाउस होते थे छोटे घर होते थे, और जो रेक्टेंगुलर हाउस होते थे उन पर वो शासन करते थे, राउंडेड हाउस वाले लोगों पर। इसका मतलब है कि देवर चीफटेंस हु यूज टू रिजाइड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, वाइल देवर कॉमन पब्लिक हु यूज टू रिजाइड इन द राउंडेड हाउसेस। तो जो राउंडेड हाउस थे छोटे किस्म के हैं और बड़ी मात्रा में लोग, शायद एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे, इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा जो एविडेंस मिला है उनकी कब्र से मिला है, उनकी जो कब्र मिली है ना, उन कब्रों में बहुत सारा सामान ये लोग रखते थे। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कुत्ते को दफन कर दिया गया, कुत्ता भी एक सामान ही समझ ले, उसको दफन कर दिया गया उसमें। ठीक है, मालिक का कुत्ता था, अगले जन्म में भी विश्वास था उनको, तो जब भी कोई सामान रखा जाता है ना उसके साथ, तो वो रीबर्थ का एविडेंस होता है कि पुनर्जन्म में एक विश्वास है उनका कि दूसरा जन्म लेगा तो उन सामानों को इस्तेमाल करेगा। और ये जो कब्र में जो चीजें रखी गई ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें मिल जाती है हमें जानकारी में। जैसे आज भी देखेंगे तो हिंदू धर्म में विशेष रूप से अगर देखेंगे, जब जलाते हैं किसी मतलब ऐसी महिला को जलाया जाता है जो मतलब उसके पति जीवित हैं, ठीक है, वीडो नहीं है, जीवित हैं, तो उनको कुछ सोने वगैरह का पहना करके जलाया जाता है। ठीक है, हाँ, पूरा श्रृंगार करके सोना वगैरह पहना करके वो जलाया जाता है, सोना भी पहना दिया जाता है। ठीक है, वो बाद में वो निकाल लिया जाता है जल्दी, जैसे आग लगने वाला था तुरंत मार करके निकाल लेते हैं उसको, सोने को, तो फायदा उनका है, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रथा है ये, इस कस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, रीबर्थ का एक एग्जाम्पल है कि रीबर्थ में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे धर्म नहीं रखते, बहुत सारे धर्म रखते हैं। तो भारत में तो जानते ही आप 84, कितने, 84 करोड़, 84 लाख है, अच्छा 33 करोड़ देवी देवता है और 84 करोड़, 84 लाख, हाँ, उन योनियों में जन्म लेंगे। अब पता नहीं अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेंगे कि नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, अब एक कस्टम मेरे घर में फॉलो हुआ था, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय जब मेरी दादी की डेथ हुई थी। तो दादी की डेथ के बाद जो है उनकी मतलब पता नहीं किसी चीज को, चावल को या किसी चीज को, बहुत याद नहीं है, वो एक बड़े से जो बांस का बना वो होता है ना टोकरी टाइप का, उससे ढक दिया गया था उसको। अगर रात में कोई जानवर वगैरह रेंग देगा तो समझ ले कोई जानवर के रूप में जन्म होगा, अगर नहीं रेंगेगा तो फिर इंसान के रूप में अगले जन्म में जन्म लेगा उसी से डिसाइड हो जाता है। तो ये प्रथा जो है, कस्टम मैंने देखी थी, मतलब मुझे आज भी याद है कि वो अनोखी कस्टम थी जो मैंने वहां महसूस किया कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पर पता चला, बाद में मुझे बताया गया कि ऐसा अगर होता तो जानवर के रूप में कोई जन्म मिलता, नहीं होता तो फिर इंसान के रूप में अगला जन्म वो ले लेती। तो ये चीजें हैं जो इस समय की कब्र मिली है ना, चैल्कोलिथिक पीरियड की। इसमें क्या है, तो इसमें जो अमीर लोगों की कब्र है उसमें बहुत सारा सामान रखा गया है, और जो गरीब लोगों की कब्र है उसमें कम सामान रखा गया है। तो उससे जो है असमानता ऐसा लगता है कि शुरू हो चुकी थी समाज में। बाकी कोई और तरीका नहीं है, बल्कि इसके साथ ना आप लोग जो सोसाइटी लिख रहे हैं, रिलीजन भी लिख लें, सोसाइटी एंड रिलीजन हेडिंग कर लें, दोनों एक साथ करवा देता हूँ, सोसाइटी एंड रिलीजन। तो बाकी और कोई तरीका नहीं है इनके समाज के बारे में जानने का। देखें, जब तक लिखा हुआ नहीं पाएंगे तब तक किसी भी समाज के बारे में क्या है पता करना मुश्किल है। समाज में दास प्रथा थी कि नहीं थी, समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी, समाज में वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम रहा कि नहीं रहा, ठीक है, अनटचबिलिटी थी कि नहीं थी, समाज में स्टडी करने के तरीके होते हैं, ये कैसे पता चलेगा जब कुछ लिखा ही नहीं मिला तो? तो केवल एविडेंस से, एक्सकेवेशन से या बहुत सारे औजारों से थोड़ी मिलेगा कुछ, बट इतना मिल गया कि हाँ, ये लोग, असमानता आ चुकी थी समाज में इस समय। जहां तक इनके रिलीजन का प्रश्न है, तो इमेज वॉरशिप शुरू हो चुका था इसी काल में। जब भी आपसे पूछा जाए पहली बार इमेज वॉरशिप कब शुरू हुआ,
तो चैल्कोलिथिक काल में चैल्कोलिथिक पीपल वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड इमेज वॉरशिप, जबकि हड़प्पा के लोग भी इमेज वॉरशिप करते थे, लेकिन हड़प्पा कल्चर इसके बाद की कल्चर है। तो पहले कल्चर ये है जिसने इमेज वॉरशिप शुरू कर दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज है कि लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मातृदेवी की, कुछ इमेज मिला है क्ले इमेज मदर गॉडेस की, तो इमेज वॉरशिप ये लोग करते थे। और मदर गॉडेस इनका प्राइमरी कल्ट था, हड़प्पा के लोगों का भी प्राइमरी कल्ट मदर गॉडेस ही था, ठीक है। ये लोग बुल इमेज भी बनाते थे, ऐसा लगता है कि बुल की भी पूजा करते थे, जानवरों की पूजा, और हिंद और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते थे। हम्प बुल की पूजा करते थे, यूनिकॉर्न की पूजा करते थे, तमाम तरीके के जानवरों की पूजा वो भी करते थे, ठीक है। तो देवर नेचुरल वॉरशिपर्स एंड देवर ऑल्सो नेचुरल वॉरशिपर्स। बाकी और क्या पूछते थे कुछ आइडिया ज्यादा है नहीं। जैसे हड़प्पा के लोग अग्नि पूजा भी करते थे, पेड़ों की पूजा भी करते थे, ठीक है। जल का महत्व भी था, जल का महत्व बाद में बढ़ता चला गया और आज तक है कि गंगा जल में स्नान करना और सारे पाप धुल लेना, वहां पर आज भी ये प्रथा, ठीक है। और किसी चीज को पवित्र करना हो तो दो बूंद, और ये बिजनेस चल गया है, ठीक है। गंगा जल के नाम पर गंगा जल ही भर कर देते हैं, कुछ और देते हैं वो नहीं पता, कि अपने घर के नल से भर कर दे देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गंगा तब जाएंगे लाने के लिए तो वो अपने आप में बहुत। और आजकल मिलावट तो खाने में है, वो तो पानी है, ठीक है। ये तो अंधविश्वास की बात है ना कि घर पवित्र हो जाता है या लोग पवित्र हो जाते हैं, ये अंधविश्वास है। लेकिन खाने में जब मिलावट इतनी हो रही है तो बाकी छोड़ ही दें आप, ठीक है। और उसमें बहुत खतरनाक टाइप की मिलावट है, सबसे घटिया किस्म का पाम ऑयल यूज किया जाता है चीजों को बनाने में। जो हम लोग चिप्स, कुरकुरे और नमकीन, ये बिस्किट खाते हैं ना, पैकेट पर देख लिया करें थोड़ा किससे बना हुआ है, ये पढ़ते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही खा लेते हैं सारे, ऐसे ही खा लेते होंगे, देख लेंगे पाम ऑयल से बना, लिखा रहता है साफ साफ पाम ऑयल यूज किया गया, सबसे घटिया किस्म का तेल होता है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है पाम ऑयल की, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे, और ग्रेड 3 4 वाले ना सबसे खतरनाक होते हैं, और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि 30-40 रुपए किलो मिल जाता है, कौन जाएगा ये रिफाइंड यूज करने 150 रुपए किलो का, ठीक है। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है और हमारा पूरा सिस्टम ये लोग खराब कर देंगे ऐसे बाहर के चीजों से। और ये जो मार्केट में समोसा खाते हैं ना बहुत चाव से बहुत सारे लोग, ठीक है, एक ही तेल में ना जाने कितनी बार समोसे को तल देते हैं कि वो तेल नहीं, वो जहर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग आंख बंद करके खा लेते हैं कि चलो एक दो बार खाने से क्या होता है, खा लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा। वास्तविकता है कि धीरे धीरे उसका असर शरीर में फैलता रहता है और हम लोग खाते रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी खाता हूँ, और दूसरे को ही क्या बताऊं, ठीक है। अब भूख लगी है, शाम को क्लास खत्म हुई, भूख लगी है तो तुरंत जो दिखता है वो सामने वो खा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर मैं टारगेट करता हूँ कि सामने जो ये ठेले वेले पर नहीं भेजते, हाँ वो ज्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, सामने भून करके देते हैं, कहीं कोई मिलावट नहीं है और कहीं कोई तेल नहीं है, आग पर पका दिया गया, अच्छा है ये आइटम, ये खाने के लिए ठीक है, पेट भरने के लिए, तुरंत के लिए। बट ये सब तो खतरनाक है अपने आप में। कुछ लोग यहाँ पर देसी घी का सामान बेचते हैं मार्केट में, देसी घी के नाम पर फ्लेवर आजकल मिला जा रहा है ताकि उसका स्मेल आए, सिर्फ देसी घी वाला, खतरनाक वो और है, ये और खतरनाक है। हम लोग देसी घी के नाम पर खा लेते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो, वास्तव में देसी घी नहीं होता, आजकल वो भी आ रहा है मार्केट में, देसी घी के नाम पर पैसे वसूल ले रहे हैं ये लोग बहुत रिसर्च है इन सब चीजों पर, रिसर्च करते रहे आप भी, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने के बाद तब जा करके कुछ लगा कि ये लोग बहुत मिलावट करते हैं अनलिमिटेड। जब हमारे देश के सबसे शुद्ध बाबा एक हैं, उनके घी में जब फंगस लग सकता है देसी घी में, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फंगस नहीं लगना चाहिए देसी घी में अगर सही है तो। हाँ आपको कुछ कहना है? हाँ बताएं। हाँ बिल्कुल, आजकल 100 रुपए किलो वाला भी नमक आ गया है, 100, 110, 120 रुपए जो रॉक सॉल्ट है, वो रॉक सॉल्ट है या नहीं वो भी इस पर भी अब तो शक होता है, क्योंकि भारत का जो FSAAI जो है ना, ये खतरनाक संस्था है, ये जांच भी नहीं करता, और अमेरिका जैसे देश या यूरोप जैसे देशों में या दूसरे देशों में बिकेगा भी नहीं ये सामान। हमारे देश में हम लोग खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे देश में ये फेंक देंगे उठा करके, अपने जानवरों को खाने के लिए नहीं बताते, ये हम लोग खा लेते हैं, ये हालत है इसकी, क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो रिलीजन ये है, रिलीजन इनकी कब्रों से भी पता चलता है, इनकी कब्र में बहुत सारे तरीके के कब्र मिले हैं जिसमें तमाम तरीके के बरियल सिस्टम को यूज किया इन लोगों ने है, जैसे फुल बरियल सिस्टम, एक्सटेंडेड बरियल सिस्टम, पार्शियल बरियल सिस्टम, पोर्ट बरियल सिस्टम, तमाम तरीके के बरियल सिस्टम को यूज किया है। पोर्ट बरियल का मतलब घड़े में रखकर शव को दफना देना।